लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए नैब से इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस के एहतसाब अदालत में समाप्त हुई। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी थी। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट की अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के लंदन रिहायशगाह पर वारंट वसूल करा दिए। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर रेफरेंस का सामना नहीं कर रहे। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तहारी की कार्रवाई शुरू की जाती है। नैब से नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दिलवाने की इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।